नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीपीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। चलिए बात कर ली जाए कलर्स टीवी के दी मोस्ट पॉपुलर शो मेघा बरसेंगे की। हालांकि शो की कहानी में फिलहाल नील भट्ट यानी कि अर्जुन के किरदार की कोई खास झलकियां दिखाई नहीं गई है। उनकी झलकियों को काफी कम रखा गया। हाँ, अगर उनकी झलकियों को ज्यादा रखा गया होता तो फैंस काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेकर इस सीरियल को देखते, इसीलिए शायद अब तक ये जो सीरियल है ना फ्रिज में नहीं आया है। इसकी टीआरपी अभी उस हद तक नहीं बढ़ पाई है जिस हद तक बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि सीरियल में नील भट्ट जैसे एक्टर काम कर रहे हैं। मगर कोई बात नहीं, हम तो बात कर रहे हैं आपके फेवरेट शो मेघा बरसेंगे के आगे आने वाले ट्रैक की। तो हम अपनी कहानी में आपको बता देते हैं कि आगे आपको क्या देखने को मिलने वाला है। दरअसल सीरियल मेघा बरसेंगे की कहानी में ना आपको देखने को मिलने वाला है कि किस तरह से अब हमारे अर्जुन फाइनली मनोज के सारे कच्चे चिट्ठी का पता लगाने वाले हैं और बताने वाले हैं मेघा को, पूरी तहकीकात करने वाले हैं और मेघा को बताने वाले हैं कि मनोज कितना बड़ा धोखा दे रहा है। लेकिन मनोज ना बहुत शातिर फ्रॉडिया दूल्हा है, उसने ना मेघा को अपनी बातों में इस कदर फंसा लिया है कि मेघा को मनोज की हर एक बात पर भरोसा है और अब अर्जुन उस भरोसे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो मेघा को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मेघा और अर्जुन की अब लड़ाई शुरू हो गई है। लेकिन अर्जुन तो चाहता है मेघा का भला करना, इसलिए अब वो अर्जुन के मनोज के खिलाफ जो है ना काफी सारे सबूत इकट्ठे कर प्रूफ के साथ यहाँ पर मेघा को सच्चाई मनोज की बताना चाहता है। क्योंकि आप जानते हैं कि टीवी सीरियल में ना एकमात्र सोर्स है सच्चाई का पता लगाने का और वो है सबूत। चाहे वो टीवी सीरियल्स की बहुओं को लाना पड़े या टीवी सीरियल्स के हीरो को लाना पड़े, पर सबूत जो है ना वो चाहिए, तभी जाकर आप सच को साबित कर सकते हैं। तो अब अर्जुन निकल पड़े हैं मनोज के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में और अब वो सबूत लेकर मेघा को बताएंगे कि जो मनोज है वो तुम्हारे साथ कौन सा बड़ा खेल खेल रहा है। लेकिन इसके बाद मेघा की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी और फिर मेघा और अर्जुन मिलकर मनोज जैसे लड़कों की करेंगे खटिया खड़ी। वैसे मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ इस सीरियल को, क्योंकि कहानी काफी यूनिक है, कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी काफी पसंद आएगी।